दोस्तों आप सभी का स्वागत है पहले देखो पहले सीखो किसान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है बहुत ही बड़ी रकम। जी हाँ दोस्तों, 5,125 करोड़ रुपए की राशि जो है सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचने वाली है और दोस्तों प्रत्येक किसान को मिलने वाले हैं 2,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट में। तो दोस्तों चलिए कहां पे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, चलते हैं आपको सीधा उस खबर की ओर रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ट्रांसफर हुए 5,125 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी रकम जो है यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचने वाली है और दोस्तों ये जो राशि है 9 करोड़ किसानों को मिलनी है 2,000 रुपए की रकम। जी हाँ दोस्तों, ये जो राशि ट्रांसफर की गई है 5,125 करोड़ रुपए, ये दोस्तों 9 करोड़ किसान भाइयों को मिलने वाली है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप यहाँ पे देख सकते हैं राहत भरी खबर निकल के सामने आ रही है। कोरोना पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। इसके तहत देश के कुल 9.07 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट खाते में यह राशि जो है दी जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों हम बात करें किसानों के खाते में ट्रांसफर होने लगी है 2,000 रुपए की राशि। तो दोस्तों अब तक हम बात करें तो कोरोना के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी पैकेज के तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है ट्रांसफर की जाने वाली है। अब तक मोदी सरकार की ओर से 5,125 करोड़ रुपए की रकम जो है अप्रैल से जुलाई के दौरान 4 महीनों की किस्त के तौर पर ट्रांसफर की जा चुकी है। बता दें आपको, कोरोना पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल के पहले सप्ताह में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया था और देश के कुल 9.07 करोड़ किसानों को ये रकम दिए जाने का ऐलान यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए की रकम जो है 3 किस्तों के माध्यम से दी जाती है। हर 4 महीने के अंतराल पे 2,000 रुपए की राशि जो है सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में DBT यानी डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। मोदी सरकार के ऐलान के बाद इस बार भी ये जो किस्त है 4th महीने में यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफर होनी है, वरना अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अप्रैल के पहले सप्ताह में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के चलते प्रभावित देशों के गरीब किसानों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज का ऐलान किया था और जिसमें काफ़ी तरह तरह के ऐलान यहां पे किए गए थे। इसके तहत हम बात करें तो फसल बीमा के तहत खरीफ फसल बर्बाद होने पर किसानों को 10,000 करोड़ रुपए भी जो है जल्द से जल्द जारी करेगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ जो है लाखों किसान उठा रहे हैं। अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और किसान क्रेडिट कार्ड का वीडियो देख के आप भी जो है KCC कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। माना जाता था कि इस योजना जो है 2019 के आम चुनावों में BJP के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी, लेकिन हम आपको बता दें इस स्कीम के तहत किसानों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इसके तहत 4 किस्तें जो है डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से हर 4 महीने में किस्तें यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, जिसके तहत किसानों को अब तक जो है सरकार 58,300 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ जो है किसानों गवर्नमेंट के ऊपर आ चुका है और किसानों को इसकी आर्थिक सहायता जो है पहुंचाई जा रही है। शुरुआती दौर में इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों को ही लाभ दिया जाता था, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ाकर सभी किसानों को इस दायरे में कर लिया गया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें और कुछ नियम यहाँ पे बनाए गए हैं। तो हम आपको बता दें, जो लोग गवर्नमेंट के पद पर कार्यरत हैं उनको छोड़कर बाकी सभी किसानों को यहाँ पे 2,000 रुपये के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है दी जा रही है। तो दोस्तों जैसे राशि जो है आपके अकाउंट में आती है तो आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे अपने अकाउंट के अंतर्गत कि आपको भी राशि जो है मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट के ऊपर आना है। तो चलिए हम आपको सीधा साइट के ऊपर ले चलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल का न्यू पेज ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप या PC के अंदर, जिसके अंतर्गत भी आप देखना चाहते हैं
उसके बाद आपको टाइप करना है पीएम किसान डॉट जीओवी डॉट इन। आपको ये साइट जो है टाइप करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे पीएम किसान डॉट जीओवी डॉट इन, हम ऊपर से नेट को ऑन करते हैं। नेट ऑन करने के बाद आप जैसे टाइप करेंगे पीएम किसान डॉट जीओवी डॉट इन, तो आपके सामने दोस्तों इस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगी। तो दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे पीएम किसान डॉट जीओवी डॉट इन, तो आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने इस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल होम पेज है आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने पीएम किसान डॉट जीओवी डॉट इन जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट जो है ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कंप्लेंट या शिकायत दर्ज करनी है, अगर आपको पैसा नहीं मिला है इसकी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो है आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि नंबर काफ़ी बिजी रहता है लेकिन आपको बार बार ट्राई करते रहना है क्योंकि दिन भर में काफ़ी किसानों के कॉल आते रहते हैं। इसके अलावा केसीसी कार्ड से संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड केसीसी फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट की स्थिति चेक करने के लिए आपको कौन कौन सी किस्तें मिली है या नहीं मिली है, किस कारण से आपको पैसा नहीं आया है, ये तमाम जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फार्मर कॉर्नर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक वाइज अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल पे आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज वीडियो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी स्टेटस थर्ड नंबर पे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आपके सामने इस तरीके से 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आएगा एडिट आधार नंबर, दूसरा है अकाउंट नंबर, तीसरा मोबाइल नंबर। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं की जानकारी सबसे पहले बिल्कुल सटीक और पुख्ता जानकारी बिल्कुल इजी वे में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके रेड सब्सक्राइब को ब्लैक सब्सक्राइब में बदल के चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ना है और हमारे किसान यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना है। इसके साथ ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि जैसे कोई भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट आए, लेटेस्ट योजना आए, उसकी जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। और दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दबा के आप हर प्रकार की सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर हर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँच पाए। तो दोस्तों चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको क्या करना है। तो दोस्तों जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो अपने आधार नंबर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर तीनों ही आपने उसमें सबमिट किया था, जो भी आपके पास अब अवेलेबल है हाल फिलहाल में, वो उसके ऊपर आपको चेक मार्क लगाना है, चाहे आपके पास आधार नंबर हो या अकाउंट नंबर हो या मोबाइल नंबर, जिसके ऊपर आप चेक मार्क लगाते हैं वो आपको यहाँ पर इनपुट करना है। उसके बाद गेट डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मेरे पास आधार नंबर है, मैं यहाँ पर आधार नंबर जो है पेस्ट कर देता हूँ, मैंने आधार नंबर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद गेट डाटा के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जिस कैंडिडेट का हमने आधार नंबर डाला है उस कैंडिडेट की संपूर्ण फॉर्मर स्टेटस जो है यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। उस किसान की संपूर्ण यहाँ पे डिटेल जो है एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मर एप्लीकेशन स्टेटस, नाम, यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्कीम एक्टिव है, आधार नंबर इज वेरीफाइड, और किस किस तारीख को ये आधार वेरीफाई हुआ था, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, संपूर्ण डिटेल यहां पे आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डन, इसके आगे आरजे के नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, चारों किस्तें यहाँ पर इस किसान को मिल चुकी है अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, अधिकतम 4 किस्तें मिल चुकी है, ये 3 किस्तें 2019 की और ये 1 किस्त 2020 की, और अब जो है ओवरऑल 5वीं किस्त यानी कि 2020 की सेकंड किस्त, ओवरऑल 5वीं किस्त जो है अप्रैल के पहले सप्ताह में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों क्या आपको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जो है अप्रैल की जो किस्त है वो आपको मिली है या नहीं मिली है, इसके बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में
अपनी राय जरूर बताएं और साथ में अपने राज्य का नाम भी जरूर लिखें। और दोस्तों आपको अब तक कितनी कितनी किस्तें मिल चुकी है इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं उन सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने लेके आ सकूँ जिनको अभी तक किस्त नहीं मिली है। तो दोस्तों वो भी अपनी जो भी राय हो, जो भी समस्या आ रही हो आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके, उसके बारे में जरूर बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इसी प्रकार से गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं की जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी प्रकार से एक और लेटेस्ट ताज़ा वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए किसान यूट्यूब फैमिली, पहले देखो पहले सीखो में।